शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16/9/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है हम सभी बच्चों को सेंसिबल बनाने वाले, एसेंसफुल। हाँ, एसेंस के सागर। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रखना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली, पूरे कल्प में नहीं मिली? जब बाप आते ही नहीं तो फिर कैसे मिलेगी? तो हमें इसी संगम पर ही अपने मीठे मीठे श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत मिलती है जो हमें कभी नहीं मिली। उत्तर है नंबर 1, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। क्या? मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। नंबर 2 है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी भी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात होती ही नहीं। अच्छा गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हाँ, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, द्वैत भावना समाप्त कर सबका रिगार्ड रखना है। द्वैत भावना माना तेरा और मेरा, ये तेरा मेरा करने की जो भावना है बाबा कहते उसको समाप्त करके सबका रिगार्ड रखना है। किसी को भी जिगरी दिल से समझाना है, ऐसे नहीं समझाने के खातिर समझाएं, बाबा ने कहा है इसलिए समझा दिया, नहीं। अपने शौक से, अपनी कमाई के लिए, अपने भाग्य के लिए हमें दिल से समझाना है। कमाई में बिजी रहना है, हाँ, मतलब सेवा करने में लगे रहना है। नंबर 2, जीते जी सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है और साथ साथ सेंसिबल बनकर अविनाशी कमाई भी करनी है। याद का चार्ट भी रखना है, क्योंकि कमाई तो उसमें भी होगी। चार्ट से हम विकर्म कितने हमने विनाश किए और फिर याद करके और हमने कितनी शक्तियां विशेषताएं धारण करके कमाई की, तो चार्ट भी रखना है। अच्छा वरदान है आज का, त्याग। तपस्या के द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी और तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। यदि हम फैशनेबल रहेंगे, स्टाइल में रहेंगे, मेकअप आदि करेंगे, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, अपने को सुंदर बनाने के उसमें चक्र में रहेंगे, तो क्या होगा? हमारा त्याग और हमारी तपस्या नहीं दिखाई पड़ेगी। इसीलिए त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है आज का, देह भान से परे जाने के लिए, बॉडी कॉन्शियस से परे होने के लिए, चित्र को न देख
माना देह रूपी चित्र को न देख चैतन्य आत्मा और चरित्र को देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।